जब ब्याह होया होगा, जब नाम बताया होगा, तब की बात अलग थी, है कि नहीं। रूपवती न्यू नाम रखा था, सुंदर होगी बहुत सारी, है ना, पैदा होते ही बहुत सुंदर थी, तभी रूपवती। अरे इसके तो रूप लटक रहे हैं, ऐसे बोलते थे ना माता जी पहले, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, देखो कहा है माता जी, चलो चल के पता चलेगा दर्द कहा है। क्यों बोला, क्यों सर भाई को लगा, आपके घर में ये समस्या इतने सालों से रहती है, इतने सालों से आपकी माँ बीमार है, आ गए ना, तब ये सब पे जाएगी की हुई क्रिया, अगर की हुई नहीं होती तो पहली बार में इनको आगे आराम पड़ जाते हैं, फिर ठीक ही रहती, दोबारा दबाव नहीं पड़ता, आए समझ में, इसको निगेटिव की नोट है ताकि अब ये इलाज कराएंगे तो सब पे से खुलेगी धीरे धीरे चीज, पता चलेगा, जैसे तुम भी चक्कर खा सकते हो, तुम भी गिर सकते हो किसी भी दिन, तब पता चलेगा, और अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर ध्यान से सुन, फिर पूरे परिवार का रोग बढ़ जाएगा, हाँ तो ऐसे। अब नाम बताओ सारे, भानु प्रताप, मनोज कुमार, बिमला देवी, चलो पांच, और रूपवती, पांच राउंड मारो ऐसे तुम, चलो उनको हल्के हल्के चलने दो, जोर से, नंबर 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 माता जी, नंबर वाइज ऐसे खड़े हो गए, अपनी मर्जी से इलाज ऐसे तरीके से होता है, ऐसे भागने से कौन सा नंबर है, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं तो एक बार दिखा देना भाई, और राउंड मार दो, देखो अगर इसको कहीं दर्द होते हैं तो बताओ, ऐसी बीमारी बहुत है जिसका इलाज नहीं, आदमी ऐसे लेटा भी रह जाता है, वो बस बात बात कर सकते हैं हमारे से, हमारे घर में हमारे साथ रह सकते हैं, मेरी बीमारी में दर्द जरूरी है, अगर दर्द नहीं है तो मैं बीमारी ठीक नहीं कर सकता ना देख सकता, ठीक है, फिर एक समय मैं किसी को ये भी बहका नहीं सकता कि तू यहीं लगे रहे मेरे साथ, ठीक है, मुझे सच्चा रास्ता दिखाना है लोगों को, मैं निगेटिविटी से बीमारी हुई जो है वो पैदा हुई है वो ठीक कर सकता है, लेकिन आप इसकी मम्मी हैं, आपको कितने दर्द रहते हैं आप बताना, पूरे शरीर में, मेरे शरीर में, हाँ मेरे शरीर में हाथ पैरों में दर्द रहता है, अभी है इस टाइम, नहीं गानी गांठ बताइए, बच्चा का नहीं, ऑपरेशन भी आंखें बंद करो,
ये फूंक जो लगी है ये कहीं झंझनाहट हुई है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में झंझनाहट हुई है। अब देखो मुंह खोल, हवा बाहर फेंक दे पहले। चल भाई वहाँ दिखा रहे हैं, क्या नाम है? अमन के आगे क्या लगाता है? अमन मीरा मेहरा मीणा, कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ लगी भूख पेट में? अब दर्द बता, कोई गांठ नहीं है, यही है। क्या हाल है? मैंने बात की ऑफिस ये वहाँ दर्द खूब दबा, चिक्के दबा, खूब डॉक्टर से दबा। आगे सर डॉक्टरों को भाप जाओ, ये हमारे अपने नहीं है, ये अंग्रेजी चिकित्सा है, इनका हमारे से कोई वास्ता नहीं है, बस एक ही वास्ता है पैसे का, धन का। मैं तो ये कहता हूँ अगर इनका कोई रोग नहीं है जाँच करा लो, ठीक है, उस बच जाओ उस धन से, उस धन को देने से जो तुम्हारा कीमती है। आ गया ना समझ में? आज इसका हवन करा दिया 11 गोले का, आराम पड़े तो साथ में लेके आना है, और तुझे आना ही आना है, ठीक है। अगर फिर भी आराम ना पड़े तो तुम दोनों पति पत्नी को आना, 2 से 3 बार आएगी, तू तेरे रोग में हरण कर। माता जी कहाँ रहते हैं? कितना है? ये क्या हो रहा है भाई? जादू कर रहा है। बोले ये कला वहाँ दिखा ले भाई। दवाइया रोशनी बढ़ाइए वहाँ कहाँ बता रहे? देखो यहाँ यहाँ है। अब बात राउंड हो गया भाई पूरी। अब बता तू तेरे सर में दर्द कहाँ है? माइग्रेन का है? माइग्रेन का तो ऊपर होता है दर्द ऐसे। ऑपरेशन बताया सर्वाइकल का? आँख बंद कर दे, यहीं लगेगी फूंक, आँख बंद कर महसूस कर, झंझनाहट होगी भाई। लगी? नहीं लगी तो फिर हाथ में कुछ नहीं है। है, है? कितना है? कम हुआ? कम हो गया ना? अब कहाँ है? देखिए अब ये मम्मी है ना तुम्हारी, बड़ी मम्मी है ना, ये क्या होता है बेटे परिवार की एक समस्या होती है, मित्र दोष भी एक ही होता है, अलग तो होता नहीं। आगे ना जैसे अब दर्द कहाँ है? नहीं है ना? आना अपनी मम्मी को दिखाना, हाथ ऊपर उठा के देखिए ना कहाँ दर्द। मैंने तो लगता है इसको कोई रोटी राटी खान दे है। ये तो है कोई पितर है, ये पितरों का होता है जैसे सोना रात को झटके लगने, आगे ना उबासी आना, आगे सब शरीर सबके शरीर थके रहना, आलस्य आना और काम पे जाने का बन गया, ये सब पितर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे मेरा जो होगा वो धीरे धीरे करके सारा निकलेगा एकदम से, कभी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आया भी भाई, धीरे धीरे जमा। ऐसे हम तो फिर भी बहुत जल्दी निकालते हैं, और कहीं दुनिया में इसका तोड़ ही नहीं, कोई चीज़ जल्दी निकाल ही नहीं सकता, इसलिए आदमी घिसता रहता है, यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जाए यहाँ जा, ऐसे ठीक है। कभी इसके साथ आओ, कभी इनके साथ आओ, कभी ऐसे आओ, कभी एक ऐसे धारण करो, कभी एक बार ये आ जाए, कभी एक बार ये आ जाए, ऐसे ठीक है ना, इस तरह धारण कर लो, ठीक है ना। तो दोनों भाई राउंड मार के जरूर जाओ, इससे क्या होगा धन की जो आने वाली पीढ़ियाँ है ना वो बच जाती है, आता समझ लो, वो बिल्कुल फिट हो जाती है। जाप तो सभी को करना चाहिए।
मैंने सब सवेरे था यहाँ जब मैं बता रहा था। हाँ तो जाप सभी को करना चाहिए और तेरे को उसमें और आनंद आएगा जब मेडिटेशन और जाप करते हो, अब उसमें और ज़्यादा आनंद आएगा। वो तो ठीक है, आ गया ना सब, लेके आओ भाई, अगले आदमी को लेके आओ।